नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल इंटरनेट से सीखो में। दोस्तों अगर आप बिहार से हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो कि सुपरवाइजर हेल्पलाइन और एग्जीक्यूटिव के लिए यह पद आई हुई है, जो कि अंतिम तिथि इसकी 8 तारीख दी गई है। जी दोस्तों, क्या है इसकी न्यूज़, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, जो कि बिहार सरकार की नई भर्ती है। और भर्ती जो निकल के आई हुई है वो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की तरफ से जो है, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसकी आउटसोर्सिंग के आधार पर जो है, इसकी सुपरवाइज़र और हेल्पलाइन और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो है निकली हुई पद है। तो चलते हैं इसके न्यूज़ पे, और न्यूज़ पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटी के बटन को जरूर दबा देंगे, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, हर न्यूज़ की जानकारी आप सबसे पहले ही पा सकेंगे। तो दोस्तों, बिहार सरकार की क्या है भर्ती, नई भर्ती, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो चलते हैं इसके न्यूज़ पे, और न्यूज़ पे जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से एक आवश्यक सूचना निकली हुई है, जो कि लिपिक व कानूनगों की जो है बहाली टल चुकी है, और टलने का कारण जो है वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस के चलते बहुत से सारे ऐसे परीक्षाएं जो कि वो निलंबित हो चुकी है, और वो बहाली उसकी बहाली जो है टल चुकी है, परीक्षा रद्द हो चुकी है। तो इसमें सारी बातें बने बताई हुई है, और जो सीटेट जुलाई एग्जाम 2020 के लिए जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया हुआ था, उनका जो फॉर्म में सुधार करने का आखिरी मौका दिया गया है। और क्या है आखिरी मौका, और किस तारीख तक में इसकी सुधार करने की अंतिम तिथि है, मैंने इस वीडियो में सारी जानकारियां दी हुई है। तो दोस्तों, और जो बिहार कांस्टेबल रिक्वायरमेंट का जो कि रिजल्ट का डेट है, जिन कैंडिडेट्स ने अभी एग्जाम दिया हुआ है उनका जो है रिजल्ट का डेट जारी हो चुका है, और कब और इसकी फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर देनी है, और मैंने इसमें वीडियो में सारी जानकारियां दी हुई है। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि इन सभी वीडियो को आपको बारी बारी से देख लेने हैं, और हमारे आई बटन पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में वहां पे भी आपको न्यूज़ दी जाती है, जो कि आप लोगों से वहां पे भी जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं अब आपको लिए चलता हूँ उसके न्यूज़ पे, जो मैंने आपको बताया कि इसकी जो सुपरवाइज़र और हेल्पलाइन और एग्जीक्यूटिव के लिए जो पद निकली हुई है, जो कि बिहार प्रशासनिक विभाग की तरफ से निकली हुई है, वो मैं आपको उस न्यूज़ पे आप लिए चलता हूँ, और सारी जानकारियाँ मैं आपको उसी न्यूज़ पे मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती हो तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे सारी जानकारियाँ दी जाती है। तो दोस्तों, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे भी जा करके उस लिंक पे जा करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, और सारी जानकारियाँ वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलते हैं इसके न्यूज़ पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बिहार सरकार की तरफ से निकला हुआ है, जो कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग आउटसोर्सिंग के आधार पर जिज्ञासा हेल्पलाइन, जो कि 10 पद है हेल्पलाइन के लिए, और एग्जीक्यूटिव के लिए 2 पद हैं, और सुपरवाइज़र के लिए भी 2 पद हैं। तो इन सभी पदों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु आपातकालीन जो है निविदा आमंत्रण सूचना, जो कि सूचना संख्या 2/2020 की दी गई है, और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा संचालित जिज्ञासा हेल्पलाइन के सुगम संचालन हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से 10 हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव एवं 2 सुपरवाइज़र की आवश्यकता से संबंधित निविदा आमंत्रित किया जा रहा है, और निविदा जो होंगे दिनांक 8/4/2020 को अपहरण 1 बजे तक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के सिंचाई बैरक संख्या 1 होल्डिंग रोड पटना 8000015 के कार्यालय में समर्पित की जा सकती है। और विस्तृत जानकारी जो है लेने के लिए आपको आपातकालीन निविदा सूचना प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के इस वेबसाइट पर देखी भी जा सकती है, और इसकी वेबसाइट जो कि bpsm.bih.nic.in पर जो है इसे आप सारी जानकारियां जो भी सूचना होगी इस वेबसाइट पे आपको मिलने वाली है। और इसकी जो सूचना दी गई है मिशन निदेशक जो है इसके बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग का जो कि मिशन निदेशक हैं, उन्होंने इस वैकेंसी की जो है सूचना पेपर के माध्यम से दिया हुआ है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो 8/4/2020 तक में जो है उक्त पते पर जाकर के इस फॉर्म को भर दें, और वहाँ पे जाकर के
फॉर्म को समर्पित कर दें। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भर सकेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के बटन को जरूर दबा देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करना चाहूँगा। सो दोस्तों, हमारा इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का धन्यवाद।